आज के आपके करंट अफेयर्स 4 सितंबर 2021 के सबसे पहला करंट अफेयर है राइट टू प्रोटेस्ट एज अ फंडामेंटल राइट। सबसे पहली चीज, ये फंडामेंटल राइट क्या है? ठीक है, यही अपने आप में क्वेश्चन कि फंडामेंटल राइट है क्या और इसके अंडर हमें क्या क्या मिलता है। देखो, आपकी ना डेमोक्रेसी के लिए एक चीज बहुत जरूरी होती है कि आपके सिटीजन्स को कुछ हक मिले, कुछ राइट्स मिले जो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे वो क्लेम कर सके। ठीक है, इसीलिए वैसे ही जैसे इंडिया जब डेमोक्रेसी बनी, ये क्वेश्चन खड़ा हुआ कि हम अपने सिटीजन्स को क्या कहें। इवन इंडिया के इंडिपेंडेंस से पहले हमारे फाउंडर्स ने ये सोचना शुरू कर दिया था कि हम अपने सिटीजन्स को क्या ऐसी फ्रीडम्स दे सकते हैं, क्या ऐसे राइट्स दे सकते हैं जो उनकी लाइफ बेटर कर सके। तो उसी के चलते हुए आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, देखो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ना एग्जिस्ट करते हैं पार्ट, चैप्टर के, मतलब एक तरह से चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स को पार्ट कहते हैं। पार्ट थ्री है आपका कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल। पार्ट्स के अंदर होते हैं हमेशा आर्टिकल्स जिसके थ्रू आपको अलग अलग राइट्स दिए जाते हैं। पार्ट थ्री में आपके आर्टिकल 12-35 एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, 12-35 तक आपके आर्टिकल पार्ट थ्री में दिए गए हैं। अब ये जो आपके फंडामेंटल राइट्स का पूरा चैप्टर है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फादर्स को इसकी इंस्पिरेशन कहां से मिली? कौन सी कंट्री है जो सबसे ज्यादा फ्रीडम चिल्लाती रहती है? यूएसए। ठीक है, तो हमने ये जो फंडामेंटल राइट्स की जो इंस्पिरेशन ली थी वो यूएसए से ली थी, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से ली थी। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन ने अमेरिकन सिटीजन्स को ना बहुत सारी फ्रीडम्स ग्रांट की। तो हम भी चाहते थे अगर हमारी भी डेमोक्रेसी प्रॉपरली फ्लरिश करे तो उसमें डेमोक्रेटिक राइट्स सबको मिले। अब ये राइट्स होते क्या है? क्या आपको कोई अलग से हक दिए जा रहे हैं? मतलब ये फंडामेंटल राइट्स का कंसेप्ट आया कहां से? इवन अमेरिका में ये कंसेप्ट कहां से आया? क्या आपको, देखो जैसे फंडामेंटल राइट्स में कैसे के राइट्स दिए हुए हैं, राइट टू रिलीजन जैसी चीजें दी हुई हैं, चलो ये थोड़ी पीछे दी हैं, राइट टू इक्वालिटी दी है जी, राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट राइट टू लाइफ दिया हुआ है, ऐसे बहुत सारे राइट्स दिए हैं। अब इन राइट्स की एक बारी जस्ट हेडिंग देखो, यहाँ पे ये सारे राइट्स आ गए। ठीक है, अब ये सारे राइट्स की हेडिंग देखो, अगर मैं ये कहूं कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन ना होता, कॉन्स्टिट्यूशन तो आपका 1950 में आया, क्या उससे पहले इंडिया में लोग रिलीजन नहीं वर्शिप करते थे? करते थे। उससे पहले लोगों को इक्वालिटी चाहिए थी या लोग ऐसे कंफर्टेबली जी रहे थे कि हाँ चलो नहीं मिल रही तो ठीक है? ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन, स्पीच आपके पास मतलब कब से जुड़ी हुई है आपके साथ? जब से कॉन्स्टिट्यूशन आया, उससे पहले भी लोगों, इंसानों के पास थी? जब बच्चा बॉर्न होता है सबसे पहले रोता ही है, उसने पूछा कभी कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन में मैं रो सकता हूं या नहीं रो सकता? तो एक्चुअली जो इसका बेसिक प्रिंसिपल है, जो फंडामेंटल राइट्स के पीछे की फिलॉसफी है ना, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। फंडामेंटल राइट्स के पीछे एक फिलॉसफी है जिसे हम कहते हैं नेचुरल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स कुछ ऐसे राइट्स हैं जो बाय नेचर आपके साथ एग्जिस्ट करते हैं, आपको कोई अलग से चीज नहीं दी जा रही। ये सिर्फ स्टेट क्या कर रहे हैं, जब हमने इसे पार्ट थ्री में लिख दिया, फंडामेंटल राइट्स में लिख दिया, हमने इसे सिर्फ रिकॉग्नाइज किया है कि ऐसे कोई राइट्स एग्जिस्ट करते हैं। ये सिर्फ एक रिकॉग्निशन है। प्लस जो फंडामेंटल राइट, ये पार्ट थ्री सिटीजन्स के लिए, मतलब चाहे ये राइट सिटीजन्स को मिल रहे हैं, पर वही वाला कंसेप्ट, ये तो वैसे भी सिटीजन्स के पास होने थे नेचुरल राइट्स में भी। तो ये एक तरह से सिटीजन्स को कुछ अलग नहीं दे रहे, बल्कि ये राइट्स, फंडामेंटल राइट्स बोल रहे हैं आपकी गवर्नमेंट को।
ये रिस्ट्रिक्शन ऑन दी स्टेट, स्टेट का मतलब सारी सरकारें होगी, सेंटर की भी होगी स्टेट की भी होगी सारी, स्टेट का मतलब पूरा देश की सरकार होती है, पूरा सिस्टम हुआ, यानी कि आपकी सरकार के पूरे सिस्टम के ऊपर एक तरह से रिस्ट्रिक्शंस हैं। सरकार को पार्ट थ्री में बोला जा रहा है कि तुमने सिटीजंस के ये वाले राइट्स में इंटरफेयर नहीं करना, और जो करना चाहते हो जैसे करना चाहते हो कर लो, पर ये जो राइट्स हैं वो सिटीजंस के पास रहने चाहिए। ठीक है, तो एक्चुअली फंडामेंटल राइट्स आपके पास हमेशा से थे, उन्हें नेचुरल राइट्स कहते थे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बस उनमें से कुछ चुने हुए राइट्स को रेकॉग्नाइज किया है, और उन चुने हुए रेकॉग्नाइज राइट्स के ऊपर हम स्टेट को कहते हैं, यानी कि सरकार को कहते हैं कि बेफालतू में तुमने दखल नहीं देनी। क्लियर है? तो पता चल गया ना फंडामेंटल राइट्स का कंसेप्ट कैसे आया, कैसे बने हैं ये। ठीक है, तो इसी के चलते हुए देखो ये क्यों ये नेचुरल राइट्स का कंसेप्ट पढ़ना जरूरी है। आपके ना कुछ 2017 में आपके यूपीएससी ने मेंस में एक ऐसे क्वेश्चन ऐसे पूछा था, डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड लीगल राइट्स। तो नेचुरल राइट्स का लोगों को, अब देखो हम तो क्या करते फंड जब पॉलिटी पढ़ेंगे तब भी पढ़ेंगे, पर जहां पे सिर्फ ऊपर ऊपर से नॉलेज पढ़ जाते हैं किताबों में और कंसेप्ट नहीं पता, वहां पे फिर वो ऐसे भी नहीं आ सकता था। ठीक है, अगर हमें वो कंसेप्ट पता है कि नेचुरल राइट्स होते क्या हैं, तो हम पेपर में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के चलते हुए आपके फंडामेंटल राइट्स में ये सारे राइट्स दिए गए हैं। आपके एक राइट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, मतलब ये जो आपका आज करंट अफेयर है, करंट अफेयर के थ्रू ही बताता हूं, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 19 है ना, वो आपके राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन दोनों चीजों को प्रोवाइड करता है। इसके अंदर सिटीजन्स को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, कहीं पे भी पीसफुली असेंबल विदाउट आर्म्स होने की प्रोविजन है। आपका आज का करंट अफेयर यही है कि दिल्ली हाई कोर्ट आपके किसानों के प्रोटेस्ट के रिगार्डिंग केसेस आजकल सुन रहा है, तो उसमें पीसफुल प्रोटेस्ट करने को लेके आपके दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला है कि राइट टू प्रोटेस्ट एक फंडामेंटल राइट है, और जब तक सिटीजन्स सिर्फ प्रोटेस्ट ही कर रहे हैं पीसफुली, तब तक तुम कोई भी ये फोर्स नहीं यूज कर सकते, क्योंकि वो अपना एक राइट एक्सरसाइज कर रहे हैं। देखो कल लेट्स सपोज तुम्हें किसी चीज से इश्यू है, लेट्स सपोज हमारे एक रैंडमली ये मान लो कि कहीं पे हम जहां पे भी रहते थे पिछले 15 दिनों से पानी नहीं आ रहा, लोग सड़कों पे उतर आएंगे ना कि पानी की सप्लाई क्यों नहीं आ रही, वो भी प्रोटेस्ट करने का राइट है कि सरकार को जो फैसिलिटी देनी है सरकार देगी मेरे हर चीज के लिए। जब तक तुम पीसफुल, देखो प्रोटेस्ट की सिर्फ दो चीजें दो कंडीशंस होती हैं, एक होता है कि प्रोटेस्ट पीसफुल होना चाहिए, दूसरा प्रोटेस्ट हमेशा पब्लिक लैंड पे हो सकता है। ठीक है, पब्लिक लैंड का मतलब है जो सरकारी जमीनें हैं। ठीक है, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुस के, ऐसे नहीं किसी के घर में घुस के बैठ जाओगे और कहोगे मैं तो यहीं प्रोटेस्ट करूंगा या तुम्हारे घर पे एसी लगा हुआ। ठीक है, वो प्रोटेस्ट नहीं है। सरकार की जो खुली जमीनें हैं, मतलब सारा कुछ पब्लिक ही है। ठीक है, हमारी प्रॉपर्टी के बाहर सड़कों से लेके पार्क से लेके हर चीज सरकारी है, तो वहां पे कहीं पे भी तुम प्रोटेस्ट कर सकते हो। तो ये चीज आपकी रिकॉग्नाइज की गई है, पर जो आपके फंडामेंटल राइट्स है ना, इसके लिए एक चीज और साथ में जाननी जरूरी है। जो आपके फंडामेंटल राइट्स होते हैं ना, ये दो टाइप के होते हैं, मतलब राइट्स ही आपके दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं एब्सोल्यूट और एक होते हैं QUA। क्वालिफाइड, ठीक है। एब्सोल्यूट वर्ड का क्या मतलब होता है? कंप्लीटली, इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि तुम्हें ये मिलना ही मिलना चाहिए, एब्सोल्यूट है। इसमें कोई इफ बट कोई चीज नहीं होगी। जैसे आपके कॉन्स्टिट्यूशन के ना अंदर है आर्टिकल 17,
आर्टिकल 17 बात करता है, ये है राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, जो इंडिया में छूतछात की प्रैक्टिस एग्जिस्ट करती थी अनटचेबिलिटी की, कि कोई किसी कास्ट को बिलोंग करता है उसे टच नहीं करना, उसकी शैडो तक नहीं पड़ने देनी, उसके ऊपर कंप्लीट बैन है। यानी कि तुम किसी के भी अगेंस्ट ऐसी कोई प्रैक्टिस कमिट कर ही नहीं सकते। अगर तुम किसी के अगेंस्ट अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस करते हो, वो पर्सन आपके खिलाफ कोर्ट जा सकता है और वो क्लेम कर सकता है कि इसने मेरे साथ भेदभाव किया। ये एब्सोल्यूट राइट है, इसमें कोई इफ बट कुछ नहीं है कि ऐसी कंडीशन में हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं है। एब्सोल्यूट का मतलब है ये मिलेगा ही मिलेगा, ये 100% है। वो भी है, वो रेस सेक्स वो अलग अलग है, ये सिर्फ अनटचेबिलिटी के लिए का अलग कानून भी बनाया गया, ठीक है। एक वैसे ही आपको उसमें आर्टिकल 15 एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है, वो कोई बात नहीं, जिन्हें बाद में पॉलिटी में बताऊंगा, वो एब्सोल्यूट नहीं है। दूसरी साइड पे क्लासिक एग्जांपल में बता दूं, जैसे आपका आर्टिकल 25 बात करता है राइट टू रिलीजन की। आप कोई भी रिलीजन को वर्शिप करते हो, सरकार को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आप ये नहीं कह सकते कि हर चीज ही आपके रिलीजन का हिस्सा है। अब कल तो आप लोगों की बलियां चढ़ाने लग जाओ, वो थोड़ी सरकार बर्दाश्त कर लेगी, और तुम बोलो कि मेरे तो धर्म का हिस्सा है कि मुझे हर सैटरडे 4 गर्दनें तो काटनी पड़ती है, ठीक है, और सरकार के चलो ठीक है चुनके ढूंढना अलग अलग लोग, ऐसे थोड़ी कह सकती है। अब किसी और की जिंदगी तुमने ले ली है, ठीक है। इस कारण जब ऐसे इश्यूज आते हैं, राइट टू रिलीजन जब आता है वो क्वालिफाइड है। जब तक आपने मोरालिटी बना के रखी है, आप कानून के दायरे के अंदर अंदर काम कर रहे हो, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हो। जैसे पहले क्या होता था, एक आर्टिकल 25 के अंदर ही एक और चीज की गई है, पहले क्या होता था कि आपके कुछ जो आपके सो कॉल्ड जिन्हें लोअर कास्ट बोल देते हैं, उन्हें मंदिरों में नहीं जाने देते थे। आपके आर्टिकल 25 ने हर मंदिर पब्लिक, उसे पब्लिक प्लेस डिक्लेयर किया है, और हर पब्लिक प्लेस हर कास्ट हर रिलीजन के लिए ओपन है, ठीक है। इसी से दूसरी और भी चीजें जुड़ जाती हैं, जैसे कि आपके ना साउथ में केरला में एक मंदिर है सबरीमाला। सबरीमाला की आज से 2-3 साल पहले ना बहुत बड़ी कॉन्ट्रोवर्सीज उठी। सबरीमाला मंदिर के जो मेन कॉम्प्लेक्स है वहां पे वुमेन को जाने नहीं देते थे, लड़कियों को जाने नहीं देते थे, सिर्फ लड़के जा सकते थे। तो आपकी जो वुमेन ऑर्गेनाइजेशन है वो चली गई सुप्रीम कोर्ट। तो आपके सबरीमाला ने यही बोला कि हमारा राइट टू रिलीजन है, हम इसे प्रैक्टिस करना चाहते हैं, हमने कभी भी आज तक वुमेन को आने नहीं दिया। पर आपके सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि वर्शिप करने का राइट फीमेल्स को भी है जितना मेल्स को। हिंदुइज्म में कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि आपके कॉम्प्लेक्स के अंदर लड़कियों को नहीं आने देंगे। तो अगर मतलब रिलीजन का मेन पार्ट तो नहीं है ना, ये तो तुमने रूल बनाए हैं अपने। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सबरीमाला मंदिर खुलवा दिया और पुलिस की ड्यूटी लगवा दी कि अगर कोई भी रोक के वुमेन को अंदर आने से तो कर दो लाठी चार्ज। तो उसके चलते हुए आपकी वुमेन अंदर भी गई, उन्होंने वहां पे पूजा भी की, बहुत सारे दंगे होने के भी चांसेस बन गए थे, पुलिस ने लाठी चार्ज भी की, बहुत ज्यादा टेंशन क्रिएट हुई थी सबरीमाला, ठीक है। पर ओवरऑल इसी चीज को बोला गया, क्योंकि ये एब्सोल्यूट नहीं है, तुम हर चीज को रिलीजन के ऊपर क्लेम नहीं कर सकते। तो ऐसे ही आपकी कॉन्स्टिट्यूशन ने सारे राइट्स बांट दिए। तो वैसे ही आपका जो आर्टिकल 19 है वो भी क्वालिफाइड है। ऐसा नहीं है कि तुम्हें सरकार हर चीज के ऊपर प्रोटेस्ट करने देगी। जैसे कि एक इश्यू बता दूं कि लेट्स सपोज आपकी जब इंडिया की सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी के ऊपर क्वेश्चन आ जाए, लेट सपोज प्रोटेस्ट के नाम पे इंडिया की यूनिटी को ही खतरा हो जाए, तो गवर्नमेंट उसके प्रोटेस्ट को हटा सकती है। उसके अलावा लेट सपोज कोई फॉरेन डिग्निटरी इंडिया में आ रहा है, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर ही इंडिया में आ रहा है, लोग डिक्लेयर कर दें कि हमने जिस रास्ते से प्राइम मिनिस्टर ने पास करना है हम तो वहां पे पीसफुली सड़क पे बैठ के प्रोटेस्ट करेंगे, वो सरकार नहीं होने देगी, क्योंकि वहां पे इंडिया की इमेज का सवाल है, इंडिया के रिलेशंस का, इंटरनेशनल रिलेशंस का सवाल है। ये एग्जेम्पशंस हैं।
जहां पे इंडिया की एज अ स्टेबिलिटी का सवाल आ जाए या नेबरहुड का सवाल आ जाए वहां पे आपके सरकार हटा सकती है, पर बाकी चीजों में जैसे अभी फार्मर्स चाहे आपके प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके लिए आपके हाई कोर्ट ने बोला है कि उन्हें प्रोटेस्ट करने का, पीसफुली प्रोटेस्ट करने का पूरा राइट है, वो बैठे रह सकते हैं जब तक उन्हें बैठना है। ठीक है, तो आपके ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। हाँ जी अपाला कौन किया पहले कुछ पूछना था तो माइक ऑन हुआ था, गलती से हो गया सर। ठीक है जी, ठीक। तो अब आगे बढ़ते हुए सेकंड करंट अफेयर है आपका अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस। देखो आपके हाई कोर्ट के जजेस कैसे अपॉइंट किए जाते हैं उसका पूरा करंट अफेयर है, आर्टिकल इसका है 217 जिसके अंडर हाई कोर्ट के जजेस अपॉइंट किए जाते हैं। पूरा प्रोसेस मैं आपको शीट के ऊपर बताता हूं। अब डेमोक्रेसी के लिए एक और चीज जरूरी होती है कि आपका जो जुडिशरी है ना वो सरकार के कंट्रोल से इंडिपेंडेंट हो। अगर जुडिशरी को सरकार कंट्रोल करती है तो जुडिशरी कभी भी सरकार के अगेंस्ट तो फैसला दे ही नहीं पाएगी। अगर मुझे ये पता है कि मेरा सब कुछ सैलरी से लेके सब कुछ ही सरकार के ऊपर डिपेंडेंट है तो सरकार के ऊपर थोड़ी कोई कुछ बोलेगा। ठीक है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है, जुडिशरी को एक इंडिपेंडेंस दी हुई है। जुडिशरी अपने खुद के फंक्शंस खुद मेनली 80% चीजें जुडिशरी अपना खुद करती है। ठीक है, पर इसमें जो आपकी जजेस की जो अपॉइंटमेंट है चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों चाहे आपके हाई कोर्ट के जजेस हों उनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, अगर डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपकी अपॉइंटमेंट होती है प्रेसिडेंट के द्वारा जो सरकार का हिस्सा ही है। पर इंडिया में जितनी भी टॉप पोस्ट है, ठीक है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी टॉप पोस्ट ही है, इंडिया के अंदर सारी की सारी टॉप पोस्ट की जो पोस्टिंग होती है वो सारी की सारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थ्रू ही होती है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही उन्हें अपॉइंट करता है। ठीक है, क्लियर है। तो यहां पे पर ये सिस्टम इतना सिंपल नहीं है। आपके जुडिशरी खुद रेकमेंड करके भेजती है कि किन जजेस को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में लगाया जाए। ठीक है, उसकी एक लिस्ट भेजती है, प्रेसिडेंट को उसी लिस्ट के ऊपर साइन करना होता है, मतलब उसी लिस्ट में से चुनना होता है। लेट्स सपोज टोटल 60 पोजीशंस भरने वाली थी। ठीक है, आपका जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट होगा, मतलब सुप्रीम कोर्ट में ही आपके मतलब 60 अगर जजेस पूरे इंडिया में पोजीशन भरने वाली हैं, आपका 70 जजेस की लिस्ट भेजी जाएगी, उनमें से कोई भी 60 चुन लो। ठीक है, तो इस तरीके से आपके प्रेसिडेंट को ऑप्शन मिल जाता है। अब ये लिस्ट भेजता कौन है, आपके ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ने जो सिस्टम मेंशन किया है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के लिए उसमें ये बोला गया है, हाई कोर्ट के आज जजेस की बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट का टॉपिक नहीं है। हाई कोर्ट की जजेस की अपॉइंटमेंट कैसे होगी, हाई कोर्ट की जजेस की अपॉइंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेगा इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो सुप्रीम कोर्ट का सबसे और सारे इंडिया का सबसे हाईएस्ट जज होता है प्लस सच अदर जजेस एज ही थिंक्स फिट। आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने एक बहुत ही सिंपल सी वर्डिंग यूज की कि आपका प्रेसिडेंट कंसल्ट करेगा। देखो एक तो कंसल्टेशन जो वर्ड होता है ये अपने आप में बहुत ज्यादा डाउटफुल है, कंसल्टेशन जरूरी नहीं है कि हमेशा बाइंडिंग हो। ठीक है, अब तुम भी इस कंसल्टेशन क्या सलाह है, कंसल्ट किया पर जरूरी तो नहीं है कि कंसल्ट सलाह हमेशा माननी जाए। ठीक है, तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने एक बहुत ही वेग वर्डिंग छोड़ दी थी कि आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसल्ट करेगा चीफ जस्टिस और ऐसे कुछ और जजेस से जो उसे ठीक लगते हैं। इसके अलावा हाई कोर्ट के मामले में वो कंसल्ट करेगा गवर्नर ऑफ द स्टेट
जिस स्टेट के हाई कोर्ट में जजेस अपॉइंट हो रहे हैं, हर मैक्सिमम इंडिया की स्टेट्स का अपना हाई कोर्ट है, सारी स्टेट्स के नहीं है पर मैक्सिमम स्टेट्स के हैं, ठीक है। तो वहां के गवर्नर को कंसल्ट करेगा, प्लस वहां का जो हाई कोर्ट है, चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न्ड हाई कोर्ट, उसे भी कंसल्ट करेगा। इन सबको कंसल्ट करके प्रेसिडेंट अल्टीमेटली डिसाइड करेगा कि उस हाई कोर्ट में किस किस जज को अपॉइंट किया जाए, ठीक है। तो आपके सारे इन सबको कंसल्ट करके अल्टीमेटली फैसला करना है कि आपके किन किन जजेस को यहां पे लगाया जाएगा, यहां पे अपॉइंट किया जाएगा। यहां तक कोई भी डाउट? ठीक है। तो ये जो आपके सारे के सारे जजेस हैं, अब फिर अल्टीमेटली ये जो वर्डिंग थी ये बहुत ही कंफ्यूजिंग थी, तो आपके सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल हो गया। मतलब क्वेश्चन, अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन की वर्डिंग पे कहीं पे भी कोई क्वेश्चन है ना, अगर आपको यही क्वेश्चन आ जाएगा, लेट्स सपोज किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन की वर्डिंग पे क्वेश्चन आता है कि इसका क्या मतलब है, कौन बताएगा उस कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, उस वर्डिंग का मतलब क्या है, वो हमेशा सुप्रीम कोर्ट ही बता सकता है और कोई नहीं बता सकता। ये पावर कॉन्स्टिट्यूशन ने सुप्रीम कोर्ट को दी है कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट करके बताएगा कि इस वर्डिंग का मतलब क्या है। इसी के चलते हुए तीन बारी इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन आया कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। बार बार भी कर सकते हो तुम केस, कोई उसकी लिमिटेशन नहीं है। तो लास्ट जो केस था वो था आपका थर्ड जजेस केस जिसे कहते हैं। इस केस, इसमें ना आपके सुप्रीम कोर्ट ने एक सिस्टम डेवलप किया जिसे हम कहते हैं कोलिजियम सिस्टम। कोलिजियम सिस्टम आपका यहां से डेवलप होता है। ये जो कोलिजियम सिस्टम है इसमें क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ने खुद का एक मतलब एक कोलिजियम सिस्टम बनाया। आज कोलिजियम सिस्टम बात करेंगे। एक सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम सिस्टम अलग है, हाई कोर्ट का अलग है। आज करंट फिर हाई कोर्ट का है, हाई कोर्ट के कोलिजियम सिस्टम की बात करेंगे। हाई कोर्ट के कोलिजियम सिस्टम में कौन होता है, आपके सीजीआई प्लस टू सीनियर जजेस, सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सीजीआई और सुप्रीम कोर्ट के जो उसके बाद सीजीआई के बाद जो सबसे दो सीनियर मोस्ट जजेस होंगे वो आपके कोलिजियम का हिस्सा बने। अब अगर किसी, अब ये तीन लोग, टोटल तीन लोग हो गए ना, सीजीआई प्लस ये दो, ये जो तीन लोग हैं ये बैठ के विचार करेंगे, फैसला करेंगे कि किस किस जज को प्रमोट किया जाए और हाई कोर्ट का जज बनाया जाए। अब इसमें देखी जाती है जजेस की क्वालिफिकेशन। अब कौन सा जज क्वालिफाई करेगा, कौन सा पर्सन हाई कोर्ट का जज बन सकता है, क्वालिफिकेशन भी मैं आपको यहीं पे बता दूं। देखो इसकी तीन चीजें, एक चीज कंपलसरी है, बाकी दो में से कोई एक चीज होनी चाहिए। सबसे पहले तो उसे सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। जिसे भी इंडिया में जज बनना है, ऑब्वियसली बात है सरकारी नौकरी चाहिए, तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। इसके बाद जो बाकी दो कंडीशंस है ना, उनमें से कोई एक फुलफिल करनी है, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल करनी है, या तो ये या तो ये। वो क्या कंडीशंस है, 10 years as एडवोकेट, कहां पे, एनी कहां, टेन ईयर्स एज एडवोकेट इन हाई कोर्ट, नहीं है यहां पे मेरे ख्याल है एडवोकेट तो हाई कोर्ट है, इन हाई कोर्ट है, और 10 years एज जज एनीवेयर इन इंडिया। तो सबऑर्डिनेट जुडिशरी में, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल में, सेशन में, या लोक अदालत में, कोई भी जो जुडिशियल, कोई भी ट्रिब्यूनल हो गया, कुछ भी हो गया, कहीं पे भी वो 10 साल जज रहा है या वो हाई कोर्ट के अंदर 10 साल वकील रहा है, ये मिनिमम कंडीशन है।
ये अगर वो फुलफिल करता है उसका नाम कंसिडर, मतलब अगर उसे अपना नाम भी उसने सबमिट किया है तो उसका नाम कंसिडर किया जा सकता है। अब किसी का भी नाम जो अप्रूव करना है वो होगा सीजीआई प्लस वन से। देखो ये सीजीआई वर्ड अलग क्यों लिखते हैं, आपके सुप्रीम कोर्ट ने जब इस थर्ड जजेस केस में आपके आर्टिकल 217 को पूरा रीड किया, उन्होंने ये बोला कि देखो आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने अलग से सीजीआई को मेंशन किया हुआ, तो यानी कि सीजीआई का अप्रूवल हमेशा अलग से चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए जब हमने ये कोलिजियम लिखा हमने डायरेक्टली तीन जजेस नहीं लिखे, क्योंकि तीन की मेजोरिटी तो दो बन जाती, दो तो ये दो भी हो सकते हैं। आपकी मेजोरिटी में यहां पे दो की टाई हो सकता है एक, प्लस सीजीआई का हमेशा अप्रूवल होना ही चाहिए। अगर ये दोनों किसी चीज के लिए एग्री कर रहे हैं पर सीजीआई मना कर दे, वो जज अपॉइंट नहीं होगा। ठीक है, आपके सीजीआई प्लस टू, ये सबकी अप्रूवल चाहिए, इन सबका अपॉइंटमेंट चाहिए। जी नहीं तो मेजोरिटी एस ओवरऑल तो बन गई ना दो बंदों की, उसमें तो बन ही नहीं सकती थी ना, दो तो सीनियर मोस्ट जजेस हैं। इस साइड पे मेजोरिटी नहीं बनी पर टोटल करके तो मेजोरिटी बन गई ना, तीन में से दो ने हाँ कर दी। हैं जी सीजीआई का कंपलसरी, अगर सीजीआई की हाँ नहीं आएगी वो जज का नाम अप्रूव ही नहीं होगा। सीजीआई की अलग से हाँ चाहिए ही चाहिए, चाहे ये दोनों लोग हाँ कर दें, पर अगर सीजीआई ने मना कर दिया वो जज का नाम रिकमेंड नहीं होगा। इनमें से एक जज का नाम, मतलब इसमें से एक जज हाँ कर दे और सीजीआई हाँ कर दे, ये होना चाहिए। इसके अलावा इसी के साथ में अप्रूवल में गवर्नर से भी पूछा जाता है स्टेट के, प्लस चीफ जस्टिस ऑफ दी हाई कोर्ट से भी पूछा जाता है। ये सबसे मतलब ये मेन कंसल्टेशन है, ये उसके बाद कंसल्टेशन है। जिसके नाम अप्रूव हो गए, मतलब यहाँ पे जो अप्रूव हो गए, उसके बाद इनकी भी सलाह ले ली जाती है और फिर प्रेसिडेंट साइन कर देता है और आपके हाई कोर्ट के जज लग जाते हैं। क्लियर है? हाँ जी हाँ 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 बिल्कुल। आपके ना 2000 ऑनलाइन भी सबको बता दूं और यहाँ पे भी समझा दूं ये क्या इश्यू है। 2015 में ना सरकार एक जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमिटी बनाने लगी थी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमिटी NJEC। ठीक है, ये जो कमिटी बननी थी इसने सारे जजेस के नाम अप्रूव करने लग जाना था। तो सरकार का कहना था इससे कोलिजियम क्या है, टाइम टू टाइम बैठता है, कमिटी हमेशा बैठी रहेगी, वो टाइम टू टाइम वो जल्दी नाम अप्रूव करेगी और प्रोसेस स्मूथ हो जाएगा। पर उसमें सबसे बड़ा पॉइंट क्या था और वो कहां गई कमिटी, उसमें ना सरकार के भी 50% बंदे थे, यूनियन लॉ मिनिस्टर, फिर अपने सरकार ने दो और नॉमिनेशन बिठानी थी, तो 50% सरकार भी उसमें कॉन्ट्रीब्यूट कर रही थी, तो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस खत्म होगी। तो जुडिशरी ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट के आगे NJEC जब सरकार ने पास कर दिया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया, ये प्रोसेस हो ही नहीं सकता, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। क्लियर है जी? अरे वो आपके सुप्रीम कोर्ट के लिखे हैं। वो देखो मैं तुम्हें इसके बाद उसमें दिखाता हूँ, लक्ष्मीकांत यहाँ पे नेट पे तो देखो लिखने को गलत भी लिख दिया होगा अगलों ने। हाँ करंट अफेयर न्यूज वालों ने लिखा है। अरे मुझसे फिर वहां लिखने में गलती हो गई होगी, यहाँ करंट अफेयर में थोड़ी लिखा होगा। ये जो है ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम यहाँ पे समझाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हाई कोर्ट का, देखो मैं बाकियों को बता दूं, ये जो आज करंट अफेयर यहाँ पे जो लिखे हैं ना, यहाँ पे हाई कोर्ट का कोलिजियम थर्ड जजेस केस में यहाँ लिखा नहीं है, क्योंकि वो बाद में आया था, पर उसका कोलिजियम अलग एग्जिस्ट करता है। ये आपकी बुक्स में है, जब हम नोट्स या बुक्स पढ़ते हैं उसमें है, जो मैंने अभी आपको प्रोसेस समझाया है वो सारा प्रोसेस है।
ठीक है, यहाँ पे आपके ये सुप्रीम कोर्ट का ही एग्जिस्ट करता है, ठीक है, ये जो है यहाँ पे हाई कोर्ट, ये गलती हुई है, यहाँ पे टू आना चाहिए, ये मैं ये ठीक कर देता हूँ। नहीं नहीं, इसमें हाई कोर्ट पूरे जजेस की अपॉइंटमेंट आई थी, यहाँ पे ना टू होना चाहिए था, यहाँ पे मिस्टेक हुई हुई है, ठीक है, यहाँ पे टू होना चाहिए था, आपकी बुक्स और सारे नोट्स में और अगर पेपर में भी आएगा वो टू ही आएगा, ठीक है, यहाँ पे गलती हुई है, ठीक है, तो इस चीज को याद रखना। अगला करंट अफेयर जो है वो है थार डेजर्ट पर। थार डेजर्ट कहाँ पड़ता है? राजस्थान। आपके थार डेजर्ट में ना हमें डायनासोर के फुटप्रिंट्स मिले हैं, वहां पे खुदाई करते हुए हमें डायनासोर के फुटप्रिंट्स मिले। अभी डायनासोर के फुटप्रिंट्स कैसे मिल सकते हैं, पहली बात तो ये, डायनासोर्स को तो मरे हुए इतने साल हो गए, उसके फुटप्रिंट्स हमें, मतलब पूरी दुनिया में उनके कंकाल भी मिलते हैं, उनके स्केलेटन्स भी मिलते हैं, ये मिल कैसे जाते हैं, मतलब कभी बैठ के सोचा है? Preserved under the layers of the earth as fossil fuel. देखो सेडिमेंट्री रॉक्स जैसे बनते हैं ना, बेसिकली ये लेयर्स के तौर पे आपके सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होता है, सेडिमेंट्स आपके जैसे ही इकट्ठे होते जाते हैं लॉन्ग टर्म में लेयर्स बनते जाते हैं। कभी आपके डायनासोर ने, वेट तो डायनासोर को बहुत ज्यादा है, उसने कभी किसी गीले पत्थर के ऊपर या गीली मिट्टी के ऊपर बहुत जोर से पैर रख लिया होगा, लॉन्ग टर्म में ये मिट्टी सूख गई, जम गई, इसके ऊपर मिट्टी की लेयर्स बनती गई और सारी की सारी भर गई। हमें ये पत्थर मिला है जिसके ऊपर उसका पैर पड़ा हुआ, उसने कभी पैर रख लिया होगा, ठीक है, जो वहां पे पक्का होके रह गया क्योंकि उसे कभी कवर नहीं किया गया, ठीक है। ऐसे ही जब कभी किसी डायनासोर की डेथ हो जाती है, उसका स्केलेटल भी हमें इसी तरीके से मिलता होता है, क्योंकि जहां पे वो मर गया उसके ऊपर खुद ही, उस जमाने में कौन सा दफनाते थे, पर जहां वो मर गया उसके हड्डियों पे लॉन्ग टर्म में क्या होता है, देखो आपकी हर जगह से सॉयल इरोजन हो के मिट्टी आ रही है, तो एक लेयर सॉयल की बन रही है, दूसरी लेयर सॉयल की बन रही है, अपने आप कवर कर जाती है चीजों को। इसीलिए हमें जब पुरानी चीजें ढूंढनी होती है ना, हमें खोद के देखना पड़ता है, क्योंकि आपकी ओवर द ईयर्स, ओवर द सेंचुरीज लेयर पे लेयर बनती गई। तो अगर तुम चाहते हो कोई पुरानी चीज देखना तो उसे खोद के ढूंढना पड़ता है, क्लियर है, उसे खोद के फिर निकालना पड़ता है। तो इस तरीके से आपकी ये रिसर्च की जाती होती है। अरे खोद तो बहुत जगह रहे थे, ये तो लक है कहां मिल गया, ठीक है, खुदाई तो बहुत जगह कर रहे होते हैं, हम शायद इस चीज को ढूंढ भी ना रहे हैं, शायद किसी और चीज की खुदाई कर रहे थे, शायद आम लेबर को सबसे पहले कुछ मिला हो, वो साथ के साथ अगर किसी को बताते हैं, वो आगे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को बताते हैं, वो आके देखते हैं, फिर वो साइड को ले लेते हैं। ये किसी को नहीं पता कहाँ पे क्या मिलेगा, ठीक है, शायद यहाँ खोदना शुरू करें नीचे सोने का पूरा ढेर पड़ा हो, कोई नहीं पता किसी को, ठीक है, किसी जमाने में किसी राजा ने दबा दिया हो तो वो तो खुदाई से ही पता चलेगा। हाँ, दिल्ली असेंबली में टनल मिली है, वो टनल बहुत पुरानी है, तो किसी ने किसी जमाने में किसी, देखो टनल्स तो चलो राजाओं ने बनवाई होंगी क्योंकि वो भागने के लिए टनल्स यूज करते होते थे जब भागना पड़ता था, तो वो टनल्स पुरानी कहीं पे एग्जिस्ट कर रही है। ऐसे दिल्ली मेट्रो में बहुत बारी हुआ है, दिल्ली मेट्रो तो क्योंकि नीचे से ही बनाई जा रही है, कई बार क्या हुआ है आपके दिल्ली मेट्रो एक बार बनाते हुए ना दंगे हो गए थे, हुआ क्या, दिल्ली मेट्रो बनाते बनाते नीचे से निकल आई आपकी भगवानों की मूर्तियां, तो वहां तो अब कंस्ट्रक्शन साइट है वो पूरी, ठीक है, उन्होंने भगवानों की मूर्तियां बाहर निकाल ली सारी की सारी, की अब रेलवे ट्रैक तो बनाना ही है, ऐसा थोड़ी है टनल बंद कर देंगे, सारी की सारी सम्मान से प्रॉपरली निकाल ली। पर जब ये र्यूमर फैला, र्यूमर्स के साथ मिर्च मसाला भी ऐड होता है, ठीक है, तो मिर्च मसाला यही ऐड किया गया कि उन्होंने सारी की सारी मूर्तियां सबसे पहले हथौड़ों से तोड़ दी, ठीक है, उसका सिर्फ चूरा पूरा लेके बाहर लेके जा रहे थे, बल्कि प्रॉपर मूर्तियां निकाली गई थी,
तो उससे बाद से फैलने से क्या हुआ, दिल्ली में बसें जला दी, ये कर दिया वो कर दिया, तो ऐसे बहुत बारी हुआ। दिल्ली बहुत पुराना शहर है, उसके नीचे ऐसी गुफाएं बनी पड़ी हैं, तो कहीं से भी निकल सकती हैं। ठीक है, तो ऐसी चीजें लक बाय चांस है। ठीक है, तो आपके अब थार डेजर्ट बारे अगर हम पढ़ें, सॉरी आज भी चाय गिर गई। हाँ, आगे आपके थार डेजर्ट बारे पढ़े, ये देखो इंडिया और पाकिस्तान दोनों में पड़ता है। 85% थार डेजर्ट इंडिया में है, 15% पाकिस्तान में। ठीक है, इंडिया में ये राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, ये सारी जगहों पे एग्जिस्ट करता है। पाकिस्तान साइड पे जो डेजर्ट है उसे सिंध और पंजाब, उनके दो प्रोविंसेस में पड़ता है। ठीक है, चोलिस्तान डेजर्ट रेफर करते हैं उसे, वो थार डेजर्ट नहीं रेफर करते उसे, वो चोलिस्तान डेजर्ट उसे रेफर करते हैं। ठीक है, अब ये जो लैंड है ये आपके बहुत ही थार डेजर्ट जो है सैंड से घिरा हुआ है। सैंड की प्रॉपर्टीज आपको मैं इसके साथ बता देता हूं अगर कभी क्वेश्चन आ जाए। सैंड देखो, एक आपकी चीज होती है एल्बिडो, एल्बिडो इफेक्ट। एल्बिडो इफेक्ट क्या होता है, कभी सुना है? हाँ हाँ, एक चीज बोली जाती है ना कि गर्मियों में काले कपड़े ना पहनो। क्यों ना पहनो? गर्मी ज्यादा लगेगी। ठीक है, कहीं पे भी काला रंग होगा वो ज्यादा गर्म करेगा उस जगह को। उसका कारण क्या है? एल्बिडो, देखो एल्बिडो होता है कोई बॉडी कितनी लाइट को वापस रिफ्लेक्ट करती है और कितनी लाइट को एब्जॉर्ब कर जाती है। जितना आपका कलर, जो भी कलर डाला होगा या कोई भी बॉडी होगी, जितनी वो लाइट कलर की दिखेगी उसका एल्बिडो उतना ज्यादा होगा। ठीक है, जैसे स्नो का एल्बिडो मैक्सिमम है। स्नो क्या करती है? सारी की सारी लाइट रिफ्लेक्ट कर देती है। स्नो सारी की सारी लाइट वापस रिफ्लेक्ट कर देती है। दूसरी साइड पे जितना डार्क कलर होगा उतना वो एब्जॉर्ब करेगी, जाने नहीं देगी। तो कोई भी डार्क लगा लो, जैसे हम ब्लैक कलर को हम रेफर कर रहे हैं, उसका एल्बिडो लोवेस्ट होगा। ये सारा का सारा एब्जॉर्ब करेगी, ये सारा का सारा रिफ्लेक्ट करेगी। तो अगर मैं मिट्टी में बात करूं, सैंड भी एक तरह से मिट्टी है, मिट्टी में बात करूं और दूसरी साइड पे लेट्स सपोज एक क्ले की मिट्टी लगा लूं, इनमें से कौन सी डार्क है, कौन सी लाइट कलर की है? हाँ, सैंड लाइट है, क्ले आपकी डार्क है, तो किसका एल्बिडो ज्यादा होगा? सैंड का एल्बिडो ज्यादा होता है। इस कारण जो आपकी क्ले है उसकी हीट एब्जॉर्ब करने की प्रॉपर्टी ज्यादा है सैंड से। दूसरा इसके साथ इफेक्ट क्या पड़ता है, देखो आपकी हीट एब्जॉर्ब करने में दूसरा काम एक और चीज करती है, वो है वॉटर। ये मैं कहां लेके जा रहा हूं अल्टीमेटली बाद में घुमा के बताऊंगा। अब अगर मैं सैंड के ऊपर पानी डालूं और आपकी क्ले के ऊपर पानी डालूं, कौन सी सॉइल है जो ज्यादा पानी होल्ड करती है? क्ले बनी किससे है? चिकनी मिट्टी, उसमें होता क्या है? पानी से तो वो भरी पड़ी है। सैंड कभी भी पानी को होल्ड नहीं कर पाती, तभी तो जो आपके बीच के एरियाज भी है वो कभी भी स्टिकी इतने नहीं हो पाते। अगर क्ले के ऊपर चलोगे वो तो आपका पैर ही खींचने लग जाएगा। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सैंड पानी नहीं होल्ड करती, पर कंपेयर करोगे क्ले की मिट्टी आपकी ज्यादा पानी होल्ड करती है। ये जो क्ले ज्यादा पानी होल्ड करती है, इस कारण जब आपकी गर्मी होती है ना, क्ले की मिट्टी हमेशा ज्यादा हीटअप होती है, हीटअप होती है। और जब आपकी हीट लूज करनी है तो कौन सी मिट्टी टाइम भी ज्यादा लगाएगी? क्ले टाइम भी ज्यादा लगाएगी, इसके अंदर हमेशा ज्यादा पानी होगा। सैंड के कंपैरिजन में इसमें पानी ज्यादा है, तो पानी आपका हमेशा गर्मी को ना एब्जॉर्ब करके रखता है। पहले काला रंग था मिट्टी का, ऊपर से
आपका पानी आ गया, क्ले की मिट्टी आपकी ज्यादा पानी को होल्ड करके बैठी है तो ज्यादा हीट को भी होल्ड करके बैठेगी। तो जब दिन में आप कोई एक एरिया लगाते हैं, ये आपका सैंड का एरिया हो गया, ये आपका क्ले का एरिया हो गया, दिन में जब आपकी सनलाइट पड़ रही है दोनों एरिया पे, पहली बात तो आपकी जो ये सैंड थी, ये क्ले थी, सैंड आपकी ज्यादातर लाइट को वापस रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये क्या कर रहा है, अपने अंदर एब्जॉर्ब करता जा रहा है उसकी गर्मी। इस एब्जॉर्प्शन में फर्दर हेल्प कर रहा है जो इसके अंदर पानी भरा हुआ है, इसके अंदर पानी नहीं है, तो इसकी जो गर्मी है वो सिर्फ टॉप की कुछ लेयर में ही रहेगी। सैंड गर्म होगी पर ऊपर ऊपर से गर्म होगी, क्ले जो है ये अंदर तक गर्म हो जाएगी। अब जब रात को आपका सूरज चला गया, सनलाइट चलेगी, कौन सी मिट्टी ज्यादा टाइम तक गर्म रहेगी? क्ले ज्यादातर। रात को क्या होता है, आपकी अर्थ ही गर्मी छोड़ना शुरू करती है, अर्थ गर्मी छोड़ना शुरू करेगी तो आपकी यहां पे गर्मी बनी रहेगी, आपकी ये जो गर्मी है यहां से गर्मी भी जल्दी चली जाएगी। इसीलिए रेगिस्तानों को क्या कहते हैं, रेगिस्तान गर्म भी जल्दी होते हैं पर रात को ठंडे भी जल्दी हो जाते हैं। वो क्यों होते हैं, अगर आपको कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आपके जो डेजर्ट्स हैं, व्हाई डू डेजर्ट्स हीट अप फास्ट एंड कूल डाउन फास्ट, दोनों चीजें जल्दी हो रही है ना, उसके आंसर में ये दो चीजें आनी है मेन, एल्बिडो और पानी का कंटेंट। ठीक है, क्लियर है? चाहे प्रीलिम्स में आए चाहे मेंस में आए, ये चीज को याद रखना। दो साइड पे कंपेयर, मेंस का आएगा तो कंपैरिजन का क्वेश्चन आ जाएगा, प्री में आया तो सिर्फ एक चीज भी पूछी जा सकती है कि क्ले ऐसा क्यों बिहेव करती है या सैंड ऐसा क्यों बिहेव करती है, उस चीज को याद रखना। इसमें कोई भी डाउट किसी भी टाइप का, किसी को आज की किसी भी करंट अफेयर में कोई भी डाउट हो? देखो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, मैं आपको डायरेक्टली फैक्ट याद करने को नहीं कह रहा हूं कि रेगिस्तान, बस याद कर लो कि दिन में जल्दी गर्म होते हैं रात को जल्दी ठंडे होते हैं। कंसेप्ट समझ आ गया ना क्यों वो रात को जल्दी ठंडे हो जाते हैं। इसी कारण आपके रेगिस्तानों में दिन में टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ता रहता है, रात को बहुत ज्यादा कम हो जाता है, क्योंकि रात को जो हमारे, जैसे हम जो प्लेन्स में रहते हैं, रात को हमारे यहाँ पे गर्मी, सन तो चला गया, सारे दिन जो हमारी अर्थ गर्म होती है ना, सारा रात को वही गर्मी अर्थ रिलीज करती है। सर, पर अगर अर्थ में ही गर्मी नहीं बची तो आपकी ठंड हो जाएगी। क्लियर है? किसी को कोई भी डाउट हो? नहीं तो ये थे आपके आज के। हाँ जी, रिपीट करियो सर, रिपीट करियो दोबारा जी। मतलब ये पूरा कंसेप्ट? नहीं सर, वो रेगिस्तान वाला जो है। हाँ, रेगिस्तान देखो आपा हा की तरह सैंड ते क्ले दा फिनोमेना, सैंड की है, सैंड एक तो पानी नहीं हैगा, पंजाबी में भी समझा दूं, सैंड पानी भी नहीं हैगा, ठीक है, पानी की कमी है, पानी भी नहीं है, सैंड पानी भी नहीं हैगा। दूजा, सैंड का जड़ा कलर है, जड़ा रंग है, वो लाइट कलर है। लाइट कलर नाल की हुंदा है, जड़ा थोड़ी सनलाइट आ रही सी, वो सारी दी सारी दिने रिफ्लेक्ट होगी, तो थोड़ी सैंड कदी जड़ी गर्म हुंदी है ना, सिर्फ उत्ते उत्ते वाली लेयर च हुंदी है, टॉप लेयर ते गर्म हुंदी है, सैंड अंदर तक गर्म नहीं हुंदी, सैंड सिर्फ टॉप लेयर पे गर्म होगी, अंदर तक नहीं गर्म होगी। अगली चीज की होगी, क्योंकि पानी नहीं हैगा तो जड़ी ये गर्मी भी हो रही है, पानी कोई गर्मी नु एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही, क्योंकि पानी है ही नहीं। पानी किदां दी चीज है, अपनी हवा विच भी आप जिस दिन कहने हैं ना कि बहुत गर्मी है, जिस दिन हम कहते हैं कि हवा में बहुत ज्यादा गर्मी है, उस दिन एक्चुअली हमें जो गर्मी लग रही होती है, उस दिन अपन जड़ी गर्मी लग रही होती है, वो वाटर वेपर जो हवा में पानी है, जो हवा च पानी है, उन्हें जो गर्मी एब्जॉर्ब की हुई है, उस गर्मी दे नाल अपन मतलब उस चीज की गर्मी लग रही होती है, जो वाटर वेपर्स ने गर्मी एब्जॉर्ब की है वही हमें गर्मी लग रही होती है। तो पानी सबसे ज्यादा हीट पानी दे रहा होता है हमें, हवा में भी, ठीक है, हवा च भी अपन पानी सब तो हीट देंदे। जमीन के अंदर बात करें तो जमीन के अंदर भी सेम चीज हो रही है, जमीन के अंदर अगर पानी होगा तो जमीन ज्यादा गर्म होगी, अगर जमीन के अंदर पानी नहीं होगा तो गर्मी कम। जमीन के अंदर पानी नहीं हैगा
तब मिट्टी सिर्फ उत्ते उत्ते ही गर्मी होल्ड करूगी, थल्ले तक गर्मी नहीं ले जा पाओगे। तुम थोड़ा जो उन्हें खोदोगे तो मिट्टी ठंडी निकले होगी, ठीक है। क्ले नू अंदर तक भी लेके जाओगे ना, क्ले अंदर तक गर्म होगी, क्ले की जो मिट्टी है वो अंदर तक गर्म होगी। अब ये होता क्या है, रात को जब आपका सन गया, हमारे अर्थ पे एक नेचुरल बैलेंस है जिसे हीट बजट कहते हैं। देखो जो आपकी अर्थ है सारा दिन ये गर्मी एब्जॉर्ब कर रही है, सारा दिन ये गर्मी एब्जॉर्ब कर रही है, सरफेस गर्म हो रही है। रात को क्या होगा, जब सन चला गया आपकी रात को अर्थ, अगर देखो सन नहीं है, आपकी अर्थ इतनी ज्यादा ठंडी हो सकती है कि जम जाए, रात को बर्फ पड़ जाए। पर रात की जो गर्मी मेंटेन होती है वो कैसे होती है, हम कहते हैं ना आज रात को भी बड़ी गर्मी है, वो गर्मी आ कहां से रही है, सारा दिन जो मिट्टी हीट अप हुई है, जो सारा दिन मिट्टी हीट अप हुई है, तो अपना जिन्ना सारा दिन जो अपनी सरफेस तपदी रही है, उसके कारण रात को आपकी अर्थ ये हीट वापस रिलीज करना शुरू करती है और सारी हीट वापस स्पेस में जाती है अल्टीमेटली। तो आपकी क्ले की मिट्टी भी कहीं पे अपनी गर्मी छोड़ रही है और सैंड भी छोड़ रही है। बस सैंड में क्या है, देखो क्ले में क्या था, आपके पानी ने गर्मी होल्ड करके रखी हुई है, उसे टाइम लगेगा अपनी गर्मी को रिलीज करने में, धीरे धीरे गर्मी रिलीज होगी। सैंड कोई पानी नहीं है, कोई पानी है ही नहीं, तो टॉप टॉप लेयर ही गर्म है, ये सारी की सारी गर्मी रिलीज हो जाएगी, ते थोड़ी इतो गर्मी गायब होगी तो थोड़ी सैंड राती अपने आप ठंडी पै जाएगी। ऊपर ऊपर थी हीट, सारी हीट निकल गई, आपकी सैंड ठंडी होगी। क्लियर है जसकरण जी? तो दिन में भी इसलिए गर्म हो रही है, देखो कोई भी चीज दिन में भी इसलिए गर्म हो रही है क्योंकि गर्मी सिर्फ ऊपर ऊपर तक है, ता इन्ना कोई एरिया वार वार गर्म हो जा रहे, थल्ले तक नहीं जा रहे, इन पूरी लेयर इमेजिन करो तो थल्ले तक नहीं जा रहे, ठीक है। और रात को बस यही वाली लेयर ने अपनी गर्मी छोड़ देनी है और ठंडी हो जानी। ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स। किसी और को भी कोई डाउट